आई केयर इंडिया संस्था एवं जिला प्रशासन के सहयोग से लखनऊ के महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं विभागाध्यक्षों के साथ महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अनूप गुप्ता मिशन लीडर आई केयर इंडिया संस्था, श्रीमती सुमन लता नोडल ऑफिसर एवं प्राचार्या महाराजा बिजली पासी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय आशियाना लखनऊ, प्रोफेसर एस एन किवदई प्राचार्या महामाया राजकीय महाविद्यालय महोना एवं लखनऊ की 24 महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। आई केयर इंडिया के कई कार्यक्रम हैं, जिनमें सबसे जो फोकस्ड कार्यक्रम है उसमें अंकुरम कार्यक्रम है, जो कि सरकारी प्राथमिक स्कूलों को फोकस करके बनाया गया है। अंकुरम, अंकुर से अंकुरम, क्योंकि बहुत ही जो छोटे बच्चे हैं 5 से 10-12 साल के, उन पर काम कर रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम युवा है, जो कि युवा साथियों को, जो उनके डेवलपमेंट पे फोकस्ड है, क्योंकि उन्हीं के इंगेजमेंट चैनलाइजेशन से सब कुछ हम आगे कर रहे हैं। और तीसरा कार्यक्रम है भागीदारी, जिसमें हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। अगर आई केयर इंडिया की जो दो सबसे बड़ी वो USP हैं, तो उसमें है कि जो हमने यूथ को चैनलाइज किया और जो लोकल कम्युनिटी को मोबिलाइज किया गांव-गांव में जाके, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो कोई हो, ये सबसे बड़ी हमारी USP है, जिसको गवर्नमेंट लेवल पे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें इसको सराहा गया है। सेमिनार को संबोधित करते हुए श्रीमती सुमन लता जी ने कहा, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में युवाओं की अहम भूमिका है। हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करें, जिससे वो समाज व देश हित में कार्य कर सके। युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं उठो, आगे बढ़ो, सिर्फ सपना ना देखो, उसे पूरा करने में जुट जाओ। आई केयर इंडिया संस्था के मिशन लीडर अनूप गुप्ता जी ने बताया कि छात्रों में आत्मविश्वास, बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रस्तुति कौशल के माध्यम से उनके व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए संस्था समय समय पर इंटरैक्टिव सेशन आयोजित करेगी। इसके साथ छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में सम्मानित भी किया जाएगा। छात्रों को एक राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा, जो उनके भविष्य में उच्च स्तरीय शिक्षा व रोजगार में हितैषी सिद्ध होगा। हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज डॉट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आई केयर इंडिया के मिशन लीडर अनूप गुप्ता सर। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली आज जो है ये उच्च शिक्षा के जो युवा छात्र हैं, बेसिकली उनको जोड़ते हुए, उनको सामाजिक परिवर्तन की जो भूमिका में अग्रसर लाते हुए एक हमने सामाजिक परिवर्तन की बात रखी। और ये जो इस संबंध में एक जो शासनादेश जारी हुआ था पिछले साल, ये उसी कड़ी में एक ये पहला कार्यक्रम आज ये इस डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया है। और कुल मिला के आई केयर इंडिया की तरफ से जो हमारी एक सोच है, एक विज़न है कि युवा शक्ति को सामाजिक चेतना में की दिशा में जोड़ते हुए, एक चेंज मेकर के रोल में जोड़ते हुए उनको हम एक दिशा दे सकें, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, सक्षम बने, और साथ में जो आने वाला कल के बच्चे हैं, समाज है, उसको समाज की प्रमुख धारा में जोड़ते हुए देश को, हम अपने देश भारत देश को मजबूत बना सकें, सुदृढ़ बना सकें, विकसित बना सकें। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो एक सोच है, उसके अनुकूल हम आगे बढ़ सकें, यही एक कुल मिला के हमारा उद्देश्य है। आज का जो आई केयर इंडिया का प्रोग्राम हमारे कॉलेज में जो ऑर्गेनाइज किया गया, एक तरह से सामाजिक कार्य है कि किस तरह से युवा आज का जो है कम्युनिटी से जुड़ करके अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। और जो नेग्लेक्टेड, मतलब जहां शिक्षा का, जहां स्वच्छता का, जहां और भी ऐसी कुछ समस्याएं सामाजिक हैं, उससे रिलेटेड पर्सन हैं, वहाँ हम जाके उनको सुविधाएं देंगे या उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आप अपने को बेटर बना सकते हो पढ़ाई करके या स्वच्छ रह करके। तो ये सब हमारे बच्चों के लिए है कि कैसे जो परिवर्तन ला सकता है हमारा यूथ, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ये प्रोग्राम है। और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में हमें दिखेगा कि जो बच्चे हमारे या जो
कम्युनिटी हमारे समाज से निग्लेक्टेड अलग है, जिनको जिनको हमारे हेल्प की आवश्यकता है, तो ये आई केयर इंडिया जो है या हमारे जो महाविद्यालयों के यूथ हैं वो इन जैसे एक तरह से फिल्टर होकर ज्ञान जाएगा हमारा, ये बच्चे इंटर कॉलेज से जुड़ेंगे, ये बच्चे प्राइमरी से जुड़ेंगे और उनको जो लीडरशिप की भावना इनके अंतर्गत आएगी तो ये जुड़ने से आएगी, जो समुदाय में जुड़ेंगे और अपनी कुछ प्रतिभाएं बच्चों में एक गॉड गिफ्टेड होती है जिसका कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो कार्य करेंगे और उनका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा और हमारे समाज का एक तरह से कहिए हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी अच्छा होगा और एक तरह से निश्चित रूप से छोटी छोटी कम्युनिटी जब मिलकर कार्य करेंगी तो हमारे देश का निश्चित रूप से विकास होगा। और मैं भी यही इच्छा रखती हूँ, मैं एक समाजशास्त्र की विद्यार्थी हूँ होने के नाते मेरा समाज से बहुत जुड़ाव है क्योंकि आज आवश्यकता है समाज के साथ मिल के काम करने का और अगर हम मिल के काम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो भारत है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, तो कुटुंब बनने के लिए जुड़ाव की बहुत आवश्यकता है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम जुड़ करके निश्चित रूप से अपने भारत को और भी उच्च शिखर पर पहुँचा सकते हैं। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं और यही मेरी आशा और मेरी शुभकामनाएँ भी हैं कि ऐसे हम जुड़ें और एक नए भारत का निर्माण करें जिसमें युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। थैंक यू।